स्टूडेंट्स नेम ने कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट फ्रॉम क्लास एनसीईआरटी। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है जो हम अपनी ऑलरेडी यूट्यूब लाइव सेशन में डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप भी यूट्यूब लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं दिस इज माय पेज इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं दैट इज कुशाल त्रिपाठी और यहाँ ज्वाइन करने के लिए तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ मैं डेली आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स जो भी आपके सिलेबस या करिकुलम से अपडेटेड चीजें हैं वो यहां शेयर करता हूं मैं इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है आप मुझसे बात करना चाहते हैं देन दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर तो आप मुझे इन तीनों में से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चन सो दिस इज अ क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डिवाइड द पॉलिनोम पी एक्स बाय द पॉलिनोम जी एक्स एंड फाइंड द क्यूशन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग दिस दिस इज अ पार्ट टू एंड दिस इज अ पी एक्स एक्स रेस टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्स फोर एक्स प्लस फाइव

x रेस to power फोर minus थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव राइट एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन आगे जाने से पहले मैं आपका ध्यान अपनी क्लास में डिस्कस की हुई बात पर लेकर आना चाहूंगा देखिए ये जो पावर है फोर टू वन एंड पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस स्टेप इज जीरो मैंने बताया था कि जब भी आप डिवाइड करें तो पहले देख लें कि क्या आप ऑर्डर में आ रही है पावर या नहीं आ रही यहां पे देखिए ऑर्डर में नहीं आ रही फोर के बाद सीधा टू आ गई है तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है दूसरी बात आप यहाँ देखिए कि ये जो जीएक्स हमें दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिख लीजिए सो दिस इज इक्वल टू यू कैन से एक्स स्क् माइनस एक्स प्लस वन और हो सकता है कि शायद आपकी गलती यहीं तक हुई हो अगर आप क्लियर है तो आप सॉल्व कर सकते हैं अदरवाइज आगे देख सकते हैं आप नेक्स्ट आप लिखे यहां पे सॉल्व यहां से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और ये हमने जैसा डिवीजन करना सीखा था उस तरह से इसको बना लेंगे सो इट इज एक्स रेस टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क् प्लस फोर एक्स प्लस फाइव

टू एक्स रेस्ट टू पावर फोर हो जाएगा ये this, इसको इसके नीचे लिख दीजिए अगर आप माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टर्म आने वाली है कितनी माइनस ऑफ एक्स क्यूब को आप चाहे साइड में लिख लीजिए क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी एक्स क्यूब की टर्म नहीं है तो यहां पर आप इसे माइनस ऑफ एक्सक्यूब साइड में लिख सकते हैं कोई बात नहीं नाउ इज को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस एक्स स्क् जिसको आप थ्री एक्स स्क् के नीचे ही यहाँ लिख दीजिए ऑल राइट अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है साइन चेंज करना तो दिस इज माइनस दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस अब ऐसा ना सोचें कि इसका तो कोई यूज नहीं हुआ तो हमें इसकी साइन चेंज नहीं करने हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करके यहाँ टर्म्स लिखेंगे सबके साइन चेंज होंगे ऑल राइट अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में

अब मैं एक्स स्क् को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए तो ऑब्वियसली इट इज एक्स तो आप क्या करेंगे यहां पे लिख दीजिए X और X से इस पूरे को मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ऑफ एंड right, तो देखिए अब सीधा सीधा जो टर्म्स की रिक्वायरमेंट थी वो डायरेक्टली उन्हीं के नीचे प्लेस हो गई है नाउ चेंज द साइन अगेन दिस इज माइनस दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस ऑल राइट अब हम क्या करेंगे सब कर देंगे तो देखिए अगर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे दिस 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 एंड विल गेट कैंसिल ये कैंसिल हो गया माइनस एक एक तो एक फोर एक्स स्क्स स्क्त बचाइट दिस इज फोर एक्स दिस इज माइनस एक्स तो कितना बचेगा फोर माइनस एक्स कितना बचेगा दैट इज प्लस ऑफ थ्री एक्स अब प्लस फाइव के पास तो कुछ है नहीं तो हम इसको एज इट इस इज लिख देंगे अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या इनका साइन नहीं जो हम मल्टीप्लाई करके लाते हैं टर्म्स उन्हीं के सिर्फ साइन चेंज होंगे तो ये हमने लिख दिया तो मल्टीप्लाई तो कर दीजिए माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क् प्लस थ्री एक्स क्योंकि माइनस थ्री है इंटू माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू वन कितना हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ थ्री ओके दिस अगेन अब हमें क्या करना है साइन चेंज करना है so, plus, minus, right. अब फाइव प्लस थ्री तो कितना बचा एट बचा ऑल राइट right. तो यहां से आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर सो लिख दीजिए यहां पर सो so, quotient is equal to x square plus x minus 3 and remainder is equal to 8 all right student thank you